हाय एवरीवन, सभी के दिमाग में एक डाउट रहता है कि सर हमें जो अर्ली स्टार्ट प्रिपरेशन करनी है आईआईटी एनईट के लिए कौन सी क्लास से करनी चाहिए ना, और करनी भी चाहिए तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना, कौन कौन से ओलंपियाड्स को हमें टारगेट करना चाहिए सो दैट हमें आईआईटी और नीट के एग्जाम में फायदा मिले, है ना। देखो होता क्या है, ज्यादातर बच्चे जो तुम देखोगे हाई रैंकर्स होते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइन्थ और टेंथ से या एट्थ क्लास से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 11 से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 12 से भी स्टार्ट करते हैं, बट नो डाउट जो बच्चा 8th, 9th या 10th क्लास से स्टार्ट करता है उसका एक अपर एंड रहता है। सोचो ना प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, ठीक है। तो शुरुआत जब तुम्हें करनी है तो देखो हमेशा कुछ ओलंपियाड से जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ टारगेट करो, मैं IOQGS और NTSC, ये सबसे इंपॉर्टेंट ओलंपियाड से जो तुम्हें टारगेट करने चाहिए, क्योंकि IOQGS की प्रिपरेशन करते हो तुम कहीं ना कहीं 11th का बहुत सारा 11th और 12th का बहुत सारी टॉपिक्स डाउट्स को क्लियर कर लोगे, ठीक है। जैसे कि अभी के जो मेरे बैच के बच्चे हैं उनके, उन्होंने इस बार देखा जेई मेंस के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए उनके, मतलब जो उन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं ना, तो होता क्या है इससे तुम्हारी डबल प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस एग्जाम को आईआईटी या नीट को टारगेट बना के चल रहे हैं वो अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या तो वो 8th में या 9th में या 10th क्लास में, शुरुआत करो, सबसे पहले अपने टीचर्स के नोट्स पढ़ो, साथ साथ में तुम अगर तुम्हें ज्यादा हार्ड लगती है एचसी वर्मा सर की बुक फिजिक्स की जैसे, तो तुम एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और एनटीएससी को टारगेट करो, एनटीएससी बेसिक एग्जाम है जिसके लिए सिर्फ तुम्हें क्या करना, 9th 10th की तुम्हारे सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, मेंटल एबिलिटी पे पूरा ध्यान दो, ठीक है। और 11th और 12th के कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे।